कायरो एयरपोर्ट से जा रहे हैं भाई हैप्पी जी के साथ। यस yes, यहाँ हमारे यहाँ राइट साइड ड्राइव होती है, यहाँ लेफ्ट साइड देख लो आप। मैं पहली बार इजिप्ट आया हूँ। इस देश को उर्दू और अरबी में मिस्र बोलते हैं। यह देश अरब गणराज्य का हिस्सा है और यहाँ की भाषा अरबी है। कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। यस, इजिप्ट है ये। रेत ही रेत, पत्थर ही पत्थर, उनके बीच से सड़कें बनी हुई हैं और हम ये सड़कों से जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट 4 मिनट के बाद पड़ेगा। यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है मिनट्स, 4 मिनट्स। ड्राइवर नेम इज वाली मोहम्मद। इजिप्ट की राजधानी कायरो है, इसका पुराना नाम काहिरा है। हम काहिरा से 120 किलोमीटर दूर सोखना बंदरगाह जा रहे हैं। इस वक्त बॉर्डर पार कर रहे हैं, जिसे हम अपनी जुबान में टोल नाका भी बोल सकते हैं। यह इस देश का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि ममी, राजा महाराजाओं के पुतले हर जगह देखने को मिल जाएंगे। बड़ा ही दिलकश नजारा है, एक तरफ रेतीले टीले और दूसरी तरफ पानी ही पानी। और हम धीरे धीरे अपनी होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक शानदार प्रॉपर्टी के दीदार कराएंगे आपको। लीजिए, इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए हैं होटल मूव एंड पिक। सोखना के बेहतरीन रिसोर्ट में हैं हम। यहाँ हम अपने भारतीय साथियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। वैसे तो पूरे रास्ते हरियाली देखने को आंख तरस गई, लेकिन इस होटल में हरियाली के दर्शन भी कराएंगे हम। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं एहसान कुरैशी और इस वक्त हम हैं इजिप्ट। इजिप्ट तो आप जानते हैं, कायरो सिटी से बहुत दूर हैं हम और होटल का नाम है मूव एंड पिक। और देखो क्या लोकेशन है। ये हैं संजय अग्रवाल जी, ये हैं अतुल अग्रवाल जी, कोलकाता से हैं और हैप्पी जी सबको हैप्पी करने आएंगे। मतलब आज मैं हंसाऊंगा और ये नचाएंगे, डीजे हैप्पी। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट सर आप लोगों को। हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं जी। ये वो जगह है जहां टूरिस्ट फैमिली के साथ आते हैं और ताजगी का मजा लेते हैं। प्रॉपर्टी तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, टापू की शक्ल में। एक तरफ रेतीले पहाड़ हैं, हरियाली को मेंटेन किया गया है। होटल वालों ने बहुत खूबसूरत बनाया है इस जगह को, आप भी देखिए। सफ़र की सारी थकान दूर हो जाती है यहाँ आकर। जी, इतनी खूबसूरत जगह को हम आपको दिखाते हैं। इतनी अच्छी टीम है, रात में शो होगा हमारा। ये देखिए, समुंदर से लगा हुआ, एक तरफ समुंदर है, होटल बीच में है और पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ की खूबी यही है, रेती रेत, सैंड ही सैंड और ऐसी पहाड़ियाँ। सामने पहाड़ी, उसके पीछे समुंदर और इतनी अच्छी जगह आए हैं भैया। आप भी आइए फैमिली के साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप तो हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और जगह पे, रात के कुछ सीन दिखाएंगे आपको। पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे इंडिया से जमात आई है, वो बुलाया है ग्रीन प्लाई वालों ने। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। इस देश की मुख्य फसलें हैं गेहूं और जौ। लगभग 8000 साल पुराना इतिहास है इस देश का। इस देश को कुदरत का सबसे बड़ा इनाम मिला है, दरियाए नील। नील नदी को यहाँ के लोग बड़ा ही पवित्र मानते हैं, इनके लिए वरदान है ये। यस, होटल का व्यू देखिए, और लास्ट वाला रूम है मेरा, दिखाएंगे अभी आपको। मिस्र यानी इजिप्ट में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। मिस्र का सबसे बड़ा राजा तूतन खामुन था,
जिसे फिरौन के नाम से भी जाना जाता है। इजिप्ट की प्रसिद्ध रानी या देवी का नाम आइसिस है। नमस्कार, हमें इजिप्ट में कायरा आए थे कायरों के बीच, मगर हंसा है खूब, लोगों ने खूब हंसे। संजय जी अग्रवाल जी हैं, माशाल्लाह ये है हैप्पी, सबको हैप्पी करता है, जिनको नाचना नहीं आता उनको भी नचा दे, ऐसे ऐसे गाने गजब। और ये लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, पीछे काउंटर में देख लो, ये हिंदी नहीं समझते, सिर्फ मनी समझते हैं, पैसा दो। हाँ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत मजा आया ग्रीन प्लाई के साथ, और याद करते रहिए सर, कभी कभी हम इकोनॉमी में भी आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कार मैं हूँ एहसान कुरैशी और इस वक्त हम सोखना में, सोखना का इतना खूबसूरत होटल है और इतनी अच्छी टीम है, संजय अग्रवाल जी ने बुलाए थे, ग्रीन प्लाई की तरफ से हैं आचार्य जी यानी गुरु जी, टीम के गुरु जी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वाह, होटल तो बहुत अच्छा है ही है, सामने देखो क्या टीले बने हुए हैं भाई, इस रेत की जगह में कैसे रहते हैं लोग बताओ, इतने साल पहले ममीज बनाए और इतने, वो भी हम दिखाएंगे आपको, सेवन वंडर्स में एक है, वो भी इजिप्ट में है, उसको क्या बोलते हैं सर, पिरामिड्स, वो दिखाएंगे और वहाँ मम्मी से मुलाकात कराएंगे और पापा भी मिल सकते हैं वहाँ, दोनों लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू वेरी मच। और अब हम धीरे धीरे वापसी की तरफ हैं, यानी कि इजिप्ट की राजधानी कायरो, कायरो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। अगले एपिसोड में हम आपको मिस्र के पिरामिड, तो ये पिरामिड में क्या क्या है, क्यों बने हैं, इसका इतिहास बताएंगे और वहाँ आपको घुमाएंगे। इजिप्ट नील नदी के किनारे बसा हुआ है, यह देश गाजा पट्टी, इसराइल, लाल सागर, लीबिया और सूडान से घिरा हुआ है। मिस्र के सम्राट रहे फराओ भी जीवित देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। पिरामिड के अंदर उस समय के राजाओं को दफनाया गया है, जिसे ममी भी कहा जाता है। शवों के साथ अनाज, पानी, बर्तन, जेवरात, हथियार, जानवरों के साथ साथ इंसान यानी कि सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। उन लोगों की मान्यता थी कि राजा कब्र के अंदर जिंदा होगा और ये सब वस्तुएं उसके काम आएंगी, सेवक उनकी सेवा करेंगे। अलग अलग देश की अलग अलग मान्यताएं। जी देखते रहिए। अब हम कायरो एयरपोर्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बार आपको हमने सोखना घुमाए, अगले एपिसोड में मिस्र के पिरामिड भी घुमाएंगे। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मिस्र के पिरामिड, क्यों फेमस हैं ये पिरामिड, पूरी दुनिया के लोग इसे क्यों देखने आते हैं। मिलेंगे हम अगले एपिसोड। इस वक्त हैं हम मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी कायरो, और कायरो का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खूबसूरत एयरपोर्ट है, एक झलक आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। एयरपोर्ट में यहाँ के प्रतीक चिन्ह पिरामिड, ममी, देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, लोग निशानी के बतौर इसको साथ में खरीद कर ले जाते हैं। कायरो एयरपोर्ट में है, फ्लाइट के इंतजार में है, तो बस आपको दिख रहा होगा एयरपोर्ट। कायरो में यानी पूरे इजिप्ट में भारतीय लोगों का बहुत सम्मान है। जब मैं यहाँ घूम रहा था एयरपोर्ट में, तो वहाँ के लोग मुझे देखकर हंसते थे, मुस्कुराते थे, हाथ हिलाते थे, और कोई कोई बोले अमिताभ बच्चन, एक लड़की का सलमान खान।
एक ने बोला शाहरुख खान। मैं समझ गया कि यहाँ इंडियन फिल्म्स बहुत देखी जाती हैं और लोग यहाँ के फिल्म स्टार को बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत सुहाना रहा ये सफ़र। कायरो एयरपोर्ट में बैठकर हमने कॉफ़ी भी पी। ये हैं मिस्र के पिरामिड। अगली बार आपको ले चलेंगे इनके बहुत करीब, इनके अंदर, और जानेंगे इनकी संस्कृति और संस्कार के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।